दादी मैं ये फोटोज देखकर कभी कभी सोचती हूँ तो विश्वास ही नहीं होता है। भगवान जी लाइफ सबके लिए इतनी टफ करते हैं, इतनी कठोर बनाते हैं कि उनका हमारे साथ ही कोई स्पेशल कनेक्शन है। तो ऐसा क्यों बोल रही है? उसने कभी किसी का गलत नहीं किया, हमेशा सबका अच्छा ही चाहा है, अच्छा ही करने की कोशिश की। पर आपको भी पता है ना कि उसके साथ क्या हुआ, क्यों हमेशा उसके साथ इतना गलत होता है, क्यों उसके पास खुशी आने से पहले ही चिन जाती है, क्यों होता है दादी उसके साथ ऐसा? ये देखो प्रज्ञा मासी की फोटो। प्रज्ञा मासी और प्राची, प्राची जान थी प्रज्ञा मासी की, लेकिन प्रज्ञा मासी भी प्राची से दूर चली गई। और फिर मैं, फिर क्या दादी? मैं ना ये फोटो देख रही थी रणबीर और उनकी फैमिली की, ये सोच रही थी कि रणबीर प्राची एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। पर रणबीर ने, आपको तो पता ही कि रणबीर ने प्राची को, अभी पल्लवी आंटी में हमेशा प्राची ने अपनी माँ देखी है, हमेशा। लेकिन इन्होंने कभी भी प्राची को अपनी बेटी तो दू, अपनी बहू भी नहीं माना। पता है कितना हर्ट हुई है वहां पे, मैंने उसका हर एक एक दुख देखा है। कभी कभी तो लगता है कि प्राची कितना सह ली थी, इतना उसने बहुत सहा है। दादी सच बताऊं, अगर मैं होती ना प्राची की जगह, मैं कभी नहीं सह पाती। पता नहीं वो कितना अकेला फील करती होगी। बेटा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो बुरा वाला पहलू क्यों देखती है? और प्राची हमेशा अच्छा पहलू देखती है, वही उसकी ताकत बनता है। ये सच है, अगर प्राची से कुछ रिश्ते बिछड़े हैं तो क्या हुआ, उसे कुछ मिला भी तो है। तू है, मैं हूं, हमारा प्यार है। प्राची कहाँ अकेले हुई? दादी भगवान जी को भी तो उसका साथ देना चाहिए ना, उसी के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? बेटा भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अब देख प्राची दिल्ली गई है, हो सकता है उसके साथ कुछ अच्छा ही हो। अब बस रोना धोना बंद कर दे, खुद भी रो रही है और मुझे भी रुला दी। एक बात कहूं शाहन, मुझे भी प्राची की बहुत याद आ रही है। दादी शाहना कैसी है दोनों? प्राची कैसी है तू? तेरा मन लग रहा ना हमारे बिना? मैं ठीक हूँ, पर बहुत याद आ रही दोनों की। मतलब दिन निकल जाता है पर जैसी शाम होती है ना, होटल वापस आती हूँ तो बहुत लोनली लगता है। आई मिस यू टू। क्या चल रहा है बताओ मुझे सब कुछ। हम तो भले चंगे, क्यों शाहना? हाँ हाँ भले भी है और चंगे भी है ना। एक सेकंड, क्या हुआ? दोनों में से पहले कौन रोया? नहीं नहीं मैं नहीं रोई पहले, पहले ये झल्ली रोई और इसने मुझे भी रुला दिया। क्या दादी आप भी खुल गई ना पोल? मुझे पता था। अब चलो बता दो क्यों रो रही थी दोनों। तू सुनेगी तो हंसेगी। ये इसलिए रोई कि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जो इसे मूवी ले जाए और घुमाने ले जाए। बात बहुत अजीब है पर पॉसिबल भी है, क्योंकि शाहना है ना, किसी भी बात पे रो सकती, हंस सकती, पागल है। अच्छा सुन, इधर देख, तू आ रही है ना यहाँ बहुत जल्द, तो जब तू बोलेगी, जहां बोलेगी, जितनी बोलेगी, पिक्चरें देखेंगे हम, ठीक है? हटाना साइड में। दिखाई नहीं देता प्राची, वहाँ क्या हो रहा है? और अगर नहीं चला जाता है ना तो अपने घर पे रहा करो। प्राची तो ठीक है ना वहाँ पे? हाँ सब ठीक है, डोंट वरी, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना बेटा। डोंट वरी, सब ठीक है। आंटी आप ठीक है ना? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी माँ की उम्र की यही, कम से कम उम्र का लिहाज क्या होता? तुम्हारी माँ के साथ कोई ऐसा करता तो कैसा लगता? देखो तो शट अप, मेरे साथ भी तुमने बदतमीजी की है, धक्का मार के चल गए, सॉरी तक नहीं बोला, देखा तक नहीं। बहुत ज्यादा बोल रही हो। गनीमत है सिर्फ बोल रही हूँ, वरना ये जो हरकत है, ये बदतमीजी है ना तुम्हारी, सिक्योरिटी को बुलाना चाहिए मुझे।